राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंजाब के कोटकपुरा में नवी सोच नवा पंजाब नाम से एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी आरएसएस से ही निकली है। आपने दिल्ली में शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के बारे में सच्चाई जानना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आज चुनाव चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, बहुत तमाम पार्टियां आपके सामने आ रही हैं। कुछ को तो आप अच्छी तरह से पहचान रहे हैं, भाजपा की मैं बात कर रही हूँ। आपने खुद देखा कि आपने कितना आंदोलन किया, आपने कितनी आवाज उठाई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की, तो उनकी तो बात ही नहीं करते, उन्हें आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। लेकिन यहाँ एक और राजनीतिक दल है जो दिल्ली से आया है, अब उनको आप सही तरह से पहचान रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए, आपके सामने दिल्ली का मॉडल दिखाया जाता है बड़े बड़े विज्ञापनों पे, और आपके पास लोग आकर प्रचार करते हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए, दिल्ली की सरकार देखिए। मत भूलिए मेरे भाइयों और बहनों, एक बार पहले एक ऐसे मॉडल का प्रचार हुआ था 2014 में, जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी तो गुजरात मॉडल के आधार पे बनी थी। उसी तरह से जिस तरह आपके सामने आज प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन थे, इतना विकास हुआ है गुजरात में, बिजनेस आसान हो गया है, गरीब नहीं है, सब अमीर हो रहे हैं, सब खुशहाल हैं, किसान खुशहाल हैं, रोजगार ही रोजगार है। और क्या हुआ, वो मॉडल सिर्फ विज्ञापनों में था। आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसमें रोजगार घटे, आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने किसानों को कुचल डाला, एक ऐसी सरकार मिली जिसने शिक्षा सेहत के कोई संस्थान नहीं बनाए। और दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है, जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहाँ से है, वो उभरी ही आरएसएस से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है। आपको बताया जाता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल बने हैं, जरा आइए दिल्ली आके देखिए क्या बना है, दिल्ली वालों से पूछिए कि कैसे जी रहे हैं। तो आज का जो माहौल है, आज जो आप परिस्थितियां देख रहे हैं, इसमें आपको जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, इनकी असलियत पहचानने की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। जब तक आप असलियत नहीं पहचानेंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। ये सच है कि 5 सालों से हमारी यहाँ सरकार थी, ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गए, वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई, वो सरकार दिल्ली से चलनी लगी, और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई सांठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी, इसीलिए हमें एक नई राजनीति आपके सामने लानी पड़ी। हम आपकी आवाज़ सुन रहे थे, हम जान रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए एक नई राजनीति आपके सामने आई। उस नई राजनीति में आपको एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स मिले, चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो आप में से उभरे, मुख्यमंत्री जिन्होंने आपके लिए 100-150 दिनों में ही इतना कुछ कर डाला, क्योंकि वो आप किसकी समस्याओं को समझते हैं, जो जानते हैं कि पंजाब की सरकार पंजाब से चलनी चाहिए। अगर आप आम आदमी की सरकार को देखें, वो सरकार जो आज भी जितने भी आप विज्ञापन देखते हैं उसमें किसका चेहरा दिखता है, केजरीवाल जी का चेहरा दिखता है, एक ही नेता का चेहरा दिखता है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार बनेगी यहां तो वहां से चलेगी, कोई फर्क नहीं होगा किसी भाजपा की सरकार में और इनमें,
ये भी दिल्ली से ही चलाई जाएगी, आपके लिए नहीं चलेगी। आपने देखा है कि मात्र 100-150 दिनों में कितना काम किया गया है। 6400 करोड़ किसान के कर्जे माफ हुए, 1500 करोड़ के बिल माफ हुए, बिजली के बिल माफ हुए, किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, बिजली का रेट 3 रुपए यूनिट किया गया, औद्योगिक बिजली का रेट 5 रुपए यूनिट किया जा रहा है, पानी के दाम ग्रामीण इलाकों में घटाकर 50 रुपए माह प्रति माह के बन गए हैं, शहरों में जो वाटर सप्लाई है, सुएज है, उसमें 700 करोड़ के बिजली बिल माफ किए, गौशालाओं में बिजली बिल माफ किए। चन्नी जी का कभी फोन नहीं मिलता, बोलते 3 बजे सुबह आया था मैं, 6 बजे सुबह चले गए, सुबह से शाम तक, सुबह होने तक आपके लिए काम करते रहते हैं। सुनकर कि 3-4 बजे तक आपके लिए काम हो रहा है, उनको एक मौका दीजिए आपके हित के लिए एक सरकार बनाने का, एक मौका दीजिए पंजाब को फिर से मजबूत बनाने का, उस पंजाबियत को जिस पर आप सबका गर्व है, हम सबका गर्व है, उसी को उभार के मजबूत बनाने का। यही मैं आग्रह आपसे करना चाहती हूँ। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।